नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हिंदू जागरण मंच ने आदि पुरुष फिल्म को उत्तर प्रदेश में बैन करने की मांग की। नरसिवा नारायण सिवा के संस्थापक व हिंदू जागरण मंच के प्रभारी बिमल द्विवेदी के नेतृत्व में मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को, जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन, सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन सौंप के हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को उत्तर प्रदेश में बैन करने की मांग की। बिमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिल्म के माध्यम से जन जन में प्रचलित वास्तविक राम कथा को विकृत करके घृणित प्रयास किया गया है। फिल्म के पात्रों द्वारा आपत्तिजनक स्तरहीन संवादों के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। अतः उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में बैन करने की मांग की है, क्योंकि फिल्म में संवाद लिखने वाले लोग चौतरफा आलोचना होने के बावजूद अभी भी बेशर्मी से ऐसी सड़क चाप भाषा को आधुनिक भाषा बताकर उसका बचाव कर रहे हैं। नई पीढ़ी के लिए ऐसा सिनेमा उन्हें मूल राम कथा पर भ्रमित करने वाला है। ऐसे में सेंसर बोर्ड की भी भूमिका संदिग्ध दिखती है, जो ऐसी फिल्मों को हरी झंडी देते हैं। उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि सेंसर बोर्ड पर भी नकेल कसी जाए, क्योंकि कब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सिर्फ सनातन हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता रहेगा। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, राघविंदर पांडे, सुरेश सिंह, विकास सिंह सेंगर, मनीष अवस्थी, अखिल मिश्रा, अभि मिश्रा, विष्णु गुप्ता, अभिषेक धर्मेंद्र, जीतू मिश्रा, शिवम, विमल दीक्षित, शैलेंद्र, राहुल राम, अमित शुक्ल, योगेंद्र तिवारी, अमित तिवारी, धुन्नी सिंह, गौरव वाजपेयी, केतन अवस्थी, अंशु शुक्ल, सतीश तिवारी, सुशील तिवारी, वासु आचार्य, हिमांशु शर्मा, शुभम, आलोक शुक्ल, मनोज कुमार, दीपू तिवारी, आधा सैकड़ों दर्जन लोग मौजूद रहे। क्या मांग है आपको? आज पुरुष फिल्म जो जल्द में ही रिलीज हुई है, जन जन में प्रचलित वास्तविक रामायण को विकृत करने का घृणित प्रयास किया गया है। भगवान राम के जो चरित्र को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है, उसमें कई ऐसे जो वो हैं उसमें आपत्ति लगाई गई है, और हम सबके द्वारा जो मांग की जा रही है वो फिल्म में जो पात्रों के द्वारा जिस तरह से स्तरहीन आपत्तिजनक संवादों का वो किया गया है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। माननीय योगी जी के से हम सब इस फिल्म को बैन करने की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, और मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करता हूं कि जो केंद्र में बैठे सेंसर बोर्ड में बैठे लोग कुछ चंद पैसों के लिए ऐसी फिल्मों को रिलीज की संस्तुति देते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों को नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनको इस चीज़ की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसी फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए, और भविष्य में ऐसी फिल्में जो सनातन धर्म का मजाक बनाती हैं ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। सर के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने संवादों का वो किया है जिसमें करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंची है, मैं केंद्र सरकार से और यूपी सरकार से भी मांग करता हूं कि उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कह रहे हैं कि हमने दर्ज होनी चाहिए। अगर सनातन धर्म के विरुद्ध वो नहीं समझते हैं, सनातन ग्रंथों के नहीं समझते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सनातन धर्म ही लगातार बॉलीवुड द्वारा टारगेट किया जाता आ रहा है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो क्या पढ़ेगी और क्या समझेगी? जो हमारी वास्तविक रामायण है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उसको अगर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, तो सभी पात्रों पर और डायरेक्टर्स पर और जो भी संवाद लिख रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।